hello friends welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu ies so today is 2nd of january 2021 and let us see what you have to read in the newspapers today on the hindu a very uh, i would say uh, a very good news in the new year expert panel gives the go ahead for covid shield the so, oxford kid uh, developed a vaccine hai and is डिवेलप बाय पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डिवेलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस आई आई इसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने अप्रूव कर लिया है नाउ इट रिक्वायर्स ओनली द फाइनल अप्रूवल ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सो दिस पर्टिकुलर वैक्सीन हैज़ बिन एक्सेप्टेड और इसके ऊपर थोड़ी सी एडिशनल डेटा जो है वो मांगा गया है सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप आई वुड से That it has been accepted. So now the countdown has begun for India's largest vaccination program till date that's going to take place in 2021. Sari states ko already keh diya gaya hai that they have to make their own plans on phased uh, uh, this uh, administration of vaccine. Zadata states ne apne apne plan hai. So in most of the states, the frontline workers, health workers, police officials.

उसमें चार कंटेंशियस पॉइंट्स थे नंबर वन वॉज द रिपील ऑफ द बिल्स नंबर टू वॉज रिटर्न एश्योरेंस ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस नंबर थ्री वॉज टू टेक बैक द केसेज ऑन स्टबल बर्निंग एंड नंबर फोर वॉज टू री स्टोर द सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और स्टबल बर्निंग इनके ऊपर अग्रीमेंट हो गया है लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है दैट इज द रिपील ऑफ द लॉज एंड रिटर्न एश्योरेंस ऑन एम इन दोनों पे अभी तक जो डेडलॉक है वो बना हुआ है सो इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स अनदर एनकरेजिंग न्यूज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव जीएसटी एस कलेक्शन टच एन ऑल टाइम हाई इन डिसम्बर द वर्ड यूज इज ऑल टाइम हाई यानी कि आज तक इतने ज़्यादा ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में नहीं देखी गई है सो वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ हैव बिन कलेक्टेड विच इज ट्वेल्व परसेंट हायर देन अयर एगो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ जी एस टी कलेक्शंस में देखने को मिला है इट हैज़ इट शोज दैट एक्चुअली द इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी इज वी शेप्ड एंड इट इज नॉट यू शेप्ड तो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं दैट वैदर इट्स अ यू शेप्ड रिकवरी लाइक दिस और वैदर इट इज़ अ वी शेप्ड रिकवरी यू शेप रिकवरी मीन्स इट विल टेक अ वाइल बिफोर द इकोनॉमी किक्स ऑफ Jabki V-shaped recovery means that it has already hit the rock bottom and the recovery is at a faster pace. So this particular data on GST collection shows that it is in favor of a V-shaped recovery. That means economic and industrial activity is taking up, is picking up pace, and it is also an opportunity for the government to spend more so that the economy can be revived in a faster way. तो जी एस टी कलेक्शन इज लाइक यू कैन से इट टेल्स दल हेल्थ ऑफ द इकॉनमी देन लेटस गो टू द एडिटोरियल पेज पेज नंबर टेन इस पे इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा आर्टिकल है एंड इल कन्सीवर ब्रॉड ओवर ब्रॉड एंड वेग ऑर्डिनेंस ये थोड़ा सा ओपिनियन एटेड आर्टिकल है लेकिन काफ़ी अच्छे फैक्चुअल पॉइंट्स जजमेंट्स काफ़ी कुछ इसमें मैंशन किया गया है एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं लीगल पॉइंट्स दिए गए हैं तो जो भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इन स्टेट्स ने जो रिलीजन रिलीजियस फ्रीडम को इन्श्योर करने के लिए जो ऑर्डिनेंस इशू की हैं जिसमें कि कन्वर्जन को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है सो दैट दैट दोज ऑर्डिनेंसेस दो लॉज हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल तो आपको उस पर्सपेक्टिव डिवेलप करना है सो दिस इज़ एन आर्टिकल दैट यू हैव टू स्टडी सेकेंडली ये एक आर्टिकल है जो आई यानी कि इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेज अप्लाई किए थे टी आर ए आई ने ऑन द टेलीकॉम फर्म्स सिक्स पैसा पर मिनट जो ये एक इंटर यूजर इंटर कनेक्शन यूजेज चार्ज अप्लाई किया हुआ था वो खत्म हो गया है फर्स्ट जनवरी 2021 से सो so, नाउ Uh, their uh, calls to all the you can say uh, subscribers is going to be free totally free तो इस पर अब ये बात की जा रही है that now the telecom providers have the option of choosing to work on the service quality तो ये इस तरह से एक आर्टिकल है इसे आप पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो टेलीकॉम एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उस पर आप ये पढ़ सकते हैं दैन वैक्सीनेशन के ऊपर एक आर्टिकल है कि वैक्सीन पॉलिसी इज़ द नीड ऑफ द आवर अगर आपको जनरल परस्पेक्टिव डिवेलप करना है कि इंडिया को अब एक वैक्सीनेशन पॉलिसी की ज़रूरत है या जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेज करने की ज़रूरत है अगर हमें इस बड़े आने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है सो यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इट विल बी इंसाइटफुल देन नथिंग ऑन दिस पेज

कोई भी ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट वैसा नॉर्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है ये इट्स अंडर अ इनिशियेटिव कॉल्ड ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज जी इंडिया इनिशिएटिव तो कंट्रीज को चैलेंज की तरह दिया गया है कि आप इस टेक्नोलॉजी से घर बना के दिखाओ विच इज इको फ्रेंडली एज वेल विच इज लाइक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हैज इट हैज एज वेल तो प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम यूज़ किया जाएगा तो यू हैव टू रीड कि अर्बन एरियाज में इस तरह के सोल्यूशन जो कि इको फ्रेंडली हों और जो कि हाउसिंग भी प्रोवाइड करा सकें इज इट अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इज इट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन सो दिस स्कीम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंट ये आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ये एक पढ़ सकते हैं आप इन 2020 ट्वेंटी राज्यसभा सॉ लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स एवर But the reason for that is uh, the COVID pandemic. Because of its reason, seven eight months, nine months, no sitting nahi hui. happened. So you can have, you can have a look at this. So nothing. Uh... वेरी सिग्निफिकेंट है लेटस मूव टू द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस पे हम चलते हैं ऑन द एक्सप्लेन पेज एक्सप्लेन पेज पे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ये काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है अ ईयर टू एंगेज एंड एजर्ट काफी अच्छा आर्टिकल है अ ईयर टू एंगेज एंड एजर्ट। Uh, ki India India's going forward in 2021, what are the challenges that India faces with different countries like United States, European Union, Middle East and the neighbouring countries and India ki kya approach, what are the opportunities, a very good overall uh, I would say a lot angles discussed in this article mein kar so very very important for you, read this, Okay, if you get some new ideas which are worthy

तीनों ने ही ये बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि एंटी कन्वर्जन लॉज हैं एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉज हैं तो इन तीनों लॉज को कंपेयर करके बताया गया इनमें क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंट है वेरी वेरी आई वुड से वेरी सिंपल ल्यूसिड आर्टिकल विदाउट एनी ओपिनियन तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सो यू शुड रीड दिस एज़ वेल इनफैक्ट इसे पढ़ने के बाद आप उस ओपिनियन वाले आर्टिकल को पढ़ें फर्स्ट यू शुड नो द यू शुड नो इन ब्लैक एंड वाइट वट द प्रोविजन आर ओनली देन यू शुड फॉर्म एन ओपिनियन ऑन इट उसके बाद एडिटोरियल पेज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक क्रिटिकल आर्टिकल है राइट right? तो इसमें ऐसा बताया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इट्स लाइक अ वन साइज विट्स ऑल अप्रोच जबकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको ये एड्रेस नहीं करता हायर एजुकेशन इन डाइवर्स कंट्री इज नॉट एड्रेस्ड तो इसको आप पढ़ लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इट्स अ डिफरेंट पर्स्पेक्टिव देन अगेन जीएसटी के ऊपर ये आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी में कि जी एस टी कलेक्शन अभी पिकअप कर रही हैं सो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द स्पेंडिंग, सो दैट द इकोनॉमिक रिकवरी कैन बी इवन फास्टर देन इट इज नाउ देन मॉल्स फॉर पीस तो जो मिडल ईस्ट पीस ट्रीटी साइन हुई है so so it <clears throat> Then, jo hai 2020 में उसके बाद जो इज़राइल है इट हैज़ नॉर्मलाइज रिलेशन विद मैनी कंट्रीज लाइक मोराको लाइक like United अरब Emirates, लाइक द सऊदी अरेबिया तो उसके बाद से इन कंट्रीज़ में आपस में एयर एयर ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू हो गए हैं फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं पीपल टू पीपल एक्सचेंज हैज़ बिगन तो यहाँ पर यह बताया गया है दैट देर इज़ अ फ्लड ऑफ इसराइली टूरिस्ट इन दुबई राइट नाउ इसराइली टूरिस्ट पहली बार दुबई घूमने गए हैं बिकॉज अर्लियर दे वर नाट अलाउड बिकॉज ऑफ द एनमिटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ यू एज वेल एज इज़राइल सो लाइक वॉर पीस कैन कम बाय अदर मीन्स तो एक अच्छा आर्टिकल है डिफरेंट परसपेक्टिव ये शो करता है कि दुनिया में और कहाँ कहाँ है पॉसिबिलिटीज़ हैं वेयर बाई पीस इकॉनमी कैन ग्रो पीपल कैन ग्रो एंड देयर कैन बी प्रोस्पेरिटी ऑल अराउंड सो आई आर परस्पेक्टिव से ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं ऑन द आइडियाज़ पेज देर इज़ वन आर्टिकल दैट यू कैन स्टडी दैट इज़ वैन द आर्टिक वॉम्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर आर्टिकल है इज रिटन बाय मिस्टर नवतेज सरना हु इज़ अ फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यू एस एंड इज ऑल्सो सर्वड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यू के वेरी इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी मिस्टर नवतेज सरना हैज रिटन दिस आर्टिकल इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है सो रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन सम वेयर इट विल हेल्प यू इन जोग्राफी एज वेल तो ये न्यूज़ हैं जो आपको आज के न्यूज से पढ़नी है राइट इफ यू लाइक दिस वीडियो please like subscribe and share it with your friends and if you want to join this free course you can join by going on the click uh, on the link in the description below and you will or you can also subscribe to our daily carpedium in the daily carpedium you will get a gist of all the news on your mail daily you can read all the news from there itself so do not forget to subscribe to that thank you and have a nice day